हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट की एक नई सीरीज, जिसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट के जरिए प्रोजेक्ट बनाएंगे। इसके अंदर हम HTML और CSS का भी इस्तेमाल करेंगे, बूटस्ट्रैप भी यूज करेंगे। इसके अंदर हम बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जो रियल लाइफ में आपको काम आने वाले है। तो हो जाइए तैयार कुछ नया सीखने के लिए। चलिए तो बिना किसी देरी के हम शुरू कर देते हैं। तो आज का हमारा टास्क है फ्रेंड्स, हमें बनाना है एक कैलकुलेटर जिसका UI मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा है। यहाँ पे ये देखो, हमें ये वाला जो भी है UI, वो हमें HTML और CSS और JavaScript के जरिए हमें पूरा डेवलप करना है। ये तो सिर्फ इमेज है फ्रेंड्स, इसको हमें इंप्लीमेंट करना है HTML, CSS और JavaScript के अंदर, और इसका सभी लॉजिक हम लिखने वाले हैं यहाँ पे। ओके, चलिए तो मैं यहाँ पे सिंपली HTML और JavaScript की फाइल बना देता हूँ। उसके लिए यहाँ पे जाके सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ index.html, और दूसरी एक फाइल चाहिए होगी JavaScript की। यहाँ पे HTML के अंदर भी आप लिख सकते हो, लेकिन मैं एक्सटर्नल JavaScript यूज करूंगा। यहाँ पे लिख देता हूँ script.js, और साथ साथ CSS की फाइल भी ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे नाम दे देता हूँ style.css। ओके, आप कोई भी नाम दे सकते हो। यहाँ पे HTML को ओपन करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ उसका कोड। ओके, यहाँ पे हम एक्सटर्नल CSS की फाइल लिंक कर देते हैं। चलिए लिंक टैग के जरिए लिंक रिलेशनशिप इक्वल टू आएगी स्टाइल सीट। ओके, यहाँ पे उसका हाइपर रेफरेंस देना पड़ेगा, कहाँ पे है फाइल, हमारी करंट डायरेक्टरी में, ये रहा, मिल गया। ओके, सिर्फ इतना ही करना है। ठीक, इसी तरह से एक्सटर्नल JavaScript की फाइल भी लिंक कर देते हैं स्क्रिप्ट टैग के जरिए। इसके अंदर आएगा सोर्स इक्वल टू, कहाँ पे है, करंट डायरेक्टरी के अंदर, script.js आ गया। इसको सिंपली कर देते हैं सेव, और ये HTML के जो भी फाइल है उसको लाइव सर्वर के ऊपर रन करवाते हैं। चलिए इसको साइड बाय साइड रख देते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली कॉन्सोल ओपन करके चेक कर लेता हूँ कि JavaScript की फाइल ऐड हुई कि नहीं हुई है। यहाँ पे JavaScript की फाइल ये रही। ओके, यहाँ पे इसको भी बाहर जो मैं ओपन करके रखता हूँ। ओके, JavaScript की फाइल ये रही। ओके, यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ console.log hello। ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए है फ्रेंड्स, ये चेक कर रहा हूँ कि JavaScript की फाइल लिंक हुई है। ओके, यहाँ पे सक्सेसफुली लिंक हो गई है, कोई बात नहीं। चलो अब इसको कर देते बंद। ओके, बंद हो गई। अब हम CSS की फाइल भी चेक कर लेते कि वो सक्सेसफुली लिंक हुई है कि नहीं हुई है। यहाँ पे जाके मैं सिंपली एक CSS ऐड करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा HTML body, यहाँ पे जाके सिंपली लिखूँगा मैं बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे लिख दूंगा रेड। ओके, तो ये हमारी CSS की फाइल भी सक्सेसफुली लिंक हो गई है। तो इसको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ, सिर्फ टेस्टिंग के लिए था। मैं इसके अंदर बूटस्ट्रैप भी ऐड करने वाला हूँ, तो यहाँ पे जाके सिंपली बूटस्ट्रैप ऐड करना है। यहाँ पे लिखना है बूटस्ट्रैप। ओके, इसकी जो भी लिंक आएगी एक्सटर्नल, वो हमें यहाँ पे कॉपी पेस्ट करनी है। तो वेबसाइट के अंदर जाते हैं, यहाँ पे जाके सिंपली getbootstrap.com पे जाते हैं। इसके अंदर हमें जाना है एकदम नीचे, यहाँ पे गेट स्टार्टेड, और यहाँ पे जो भी ये फाइल देंगे उसको सिंपली कॉपी पेस्ट करना है। ये वाली CSS वाली यूज़ कर लेते हैं। इसको किया मैंने कॉपी यहाँ से लेके, ओके, एकदम एंडिंग से लेके स्टार्टिंग तक किया कॉपी, और यहाँ पे नीचे दे देता हूँ कॉमेंट, लिख देता हूँ बूटस्ट्रैप CSS, यहाँ पेस्ट किया, इसको किया सेव। ओके, यानी हमारी फाइल सक्सेसफुली लिंक हो गई है। चलिए तो अब हमारा प्रोजेक्ट के ऊपर आते हैं और उसको बनाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे जो UI बनाना है वो कहाँ पे है, कैसा है। चलिए, यहाँ पे दो UI है फ्रेंड, यहाँ पे मैं ये डार्क वाला ले रहा हूँ। ओके, आपकी मर्जी, आपको अगर लाइट लेना है तो लाइट भी ले सकते हो, लेकिन आपको ये प्रैक्टिस ज़रूर करनी है फ्रेंड्स, प्रैक्टिस के बिना आपको ये सब नहीं आएगा। सिंपली यहाँ पे हम ये डार्क वाला ले लेते हैं। मैं सिंपली एक काम करता हूँ, ये जो भी है इमेज इसको ब्राउजर के अंदर ओपन करता हूँ ताकि हमें कलर पिक करने में आसानी हो। ओके, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इमेज ओपन करके रखा है। तो अब यहाँ पे सिंपली जाके कलर पिक करना है हमें। मेरे ब्राउजर के अंदर एक एक्सटेंशन है जो कलर पिक करके देगा, कलर पिक, जैसे कि यहाँ पे मैं जाके इसको करता हूँ क्लिक, ये कलर जिला का है। आपको सिंपली कोई भी ब्राउजर के अंदर मिल जाएगा, सिंपली आपको उसका एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है। ये मिल गया मुझे कलर, ये आ गया हमारा बैकग्राउंड कलर। तो एक काम करता हूँ, CSS के अंदर एक वेरिएबल ही बना देते हैं हम। यहाँ पे गया, यहाँ पे जाके सिंपली लिखना है हमें रूट, यहाँ पे लिख देते हैं बैकग्राउंड, बैकग्राउंड डैश कलर। ओके, ये बन गया हमारा वेरिएबल। यहाँ पे जैम करता हूँ, सामने उसकी वैल्यू को पेस्ट कर देता हूँ, इसको किया सेमी कॉलम। ओके, तो इस तरह से आप वेरिएबल भी बना सकते हो CSS के अंदर।
अब नेक्स्ट बारी आएगी बटन के बैकग्राउंड कलर की, तो सिंपली यहाँ पे जाके वो भी पिक कर लेते हैं। सबसे पहले ये वाली टेक्स्ट का जो भी कलर है वो पहले पिक कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे उसका नाम दे देता हूँ स्मॉल डैश टेक्स्ट। यहाँ पे उसका कलर कॉपी पेस्ट किया। ओके, अब वापस जाते हैं ब्राउजर के अंदर और स्टार्ट करते हैं हमारा डिजाइनिंग। तो सबसे पहली बात आती है कि हमें यूआई जो भी चाहिए वो फ्लैक्स बॉक्स टाइप का चाहिए, यानी फोन के व्यू जैसा है ये, तो हमें ऐसा चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सिंपली इसको फ्लैक्स के अंदर रख देते हैं। तो मैं एक काम करूँगा, सिंपली यहाँ पे एक डिविजन ले लूँगा, यहाँ पे जाके एक काम करूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा डिव और इसकी क्लास दे दूंगा मैं कंटेनर डैश फ्लूइड। जो बूटस्ट्रैप का क्लास है आप उसके अंदर ले सकते हो। ओके, तो अब हम देखते हैं कि इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है। इसको करना है दो पार्ट में डिवाइड, जैसे कि पहला पार्ट कौन सा है, ये ऊपर वाला पार्ट है जिसके अंदर ये आंसर आ रहा है। ओके, ये वाला ऊपर वाला एक पार्ट और दूसरा पार्ट ये नीचे वाला। तो सबसे पहले उसको बनाते हैं, दो पार्ट देते हैं इसके अंदर। यहाँ पे जाके डिव ले लेते हैं, दो डिव। मैं काम करूंगा ऊपर का जो भी डिव है उसका नाम चेंज करके सेक्शन रख दूंगा। ओके, ताकि हमें समझने में आसानी हो। यहाँ पे इस डिव का क्लास दे दूंगा अपर डैश कंटेनर और नीचे का नाम दे दूंगा क्लास इक्वल टू लोअर डैश कंटेनर। ओके, ताकि हमें मालूम पड़े कि लोअर कौन सा है और अपर कौन सा है। अपर और लोअर दोनों आ गए। तो यहाँ पे सिंपली मैं एक काम करता हूँ टेस्टिंग के लिए, सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ H1 के अंदर अपर और नीचे यहाँ पे लिख दूंगा लोअर। इसको किया सेव। ओके, यहाँ पे आ गया अपर लोअर। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें जो भी यूआई चाहिए वो फुल स्क्रीन में चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, ये बाहर का जो भी है कंटेनर फ्लूइड का, ये इसको भी मैं एक अपना कस्टम क्लास दे देता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ मेन डैश कंटेनर। ओके, ये हमारा मेन कंटेनर है, इसको किया मैंने कॉपी। अब चलिए इसकी CSS सेट करते हैं। यहाँ पे जाके वो ऐड कर दूंगा डॉट मेन कंटेनर। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ये जो भी है उसका डिस्प्ले चाहिए फ्लैक्स। ओके, यहाँ पे जैसे फ्लैक्स किया, इसको किया हमने सेव। इसका फ्लैक्स डायरेक्शन आएगा कॉलम, जैसे कि यहाँ पे लिखना है सिंपली फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, आ गया। इसको किया हमने सेव, ऊपर नीचे आ गया। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, सिंपली यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर देता हूँ ताकि हमें मालूम पड़े कि इसकी हाइट कितनी हो रही है। रेड कलर दे दिया मैंने। ओके, अब यहाँ पे जाके सिंपली लिखूंगा हाइट 100 VH, यानी वर्टिकल हाइट जो भी है वो 100% फुल चाहिए। ओके, आ गया, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे वो ऊपर रहता है वो। ओके, तो अब हमें क्या चाहिए, ये जो भी कंटेनर एकदम सेंटर में चाहिए आपको। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो जस्टिफाई कंटेंट, यहाँ पे लिखना है सेंटर, और अगर एकदम सेंटर में चाहिए तो आपको लिखना है अलाइन आइटम्स सेंटर। इतना करो, सेव करो, तो एकदम सेंटर में आ गया। अब हमें क्या चाहिए, अपर वाला ऊपर के पार्ट में चला जाए यहाँ पे बीच में और लोअर वाला नीचे चला जाए। तो जस्टिफाई कंटेंट में आपको चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए जाएंगे आपको। अगर आपको एंड में करना है तो एंड लिखोगे तो क्या होगा, वो एकदम नीचे चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे जाके लिखते हैं स्पेस अराउंड। ओके, इसको किया हमने सेव। तो ये देखो, एक हिस्सा नीचे आ गया, एक हिस्सा ऊपर चला गया। तो इसके अंदर अराउंड और ट्राई करते हैं, दूसरा स्पेस बिटवीन ट्राई करते हैं, इसको किया सेव। तो ये देखो, ये एकदम लोअर में आ गया और एकदम अपर में चला गया। ओके, ये तो हमारा जो भी है नीचे का पार्ट वो तो हमें एकदम लोअर में ही चाहिए ताकि एकदम लास्ट में हमें दिखे इस तरह से। यहाँ पे ये देखो, ये कैसे एकदम लास्ट में है, तो इस तरह तो चलेगा, लेकिन अब ये ऊपर वाला तो बहुत ऊपर चला गया। तो एक काम करते हैं, उसके ऊपर कोई कंटेनर रख देते हैं दूसरा। सिंपली यहाँ पे जाके मैं एक काम करूँगा,
एक डिव टेम्पररी ऐसे कॉपी पेस्ट करके रख दूंगा। ओके तो एकदम यहाँ पे सेंटर में आ गया। ओके चलिए तो अब हमारा यूआई बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे लोअर का जो भी यूआई है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बटन आएंगे सब, तो इसको काम करता हूँ राइट साइड, इसको ओपन करके रखता हूँ राइट साइड स्प्लिट राइट। ओके इधर से मैं इसको निकाल देता हूँ। ओके तो मैंने इसकी साइज थोड़ी सी छोटी की ताकि हमें ये सब दिखाई दे। ओके तो यहाँ पे जाके सिंपली मैं सेट कर दूंगा इसे। तो सिंपली हम यहाँ पे पहली लाइन बना देते हैं। यहाँ पे जाके सिंपली एक करता हूँ काम डीयू, और डीयू के अंदर इसका क्लास का नाम दे देता हूँ, क्लास इक्वल टू यहाँ पे लिखूंगा रो डैश कंटेनर। ओके ये जो भी रो का है वो कंटेनर आएगा, उसके अंदर आएगा सब बटन। तो यहाँ पे बटन के अंदर क्या है, सबसे पहले सी है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले एक बटन बना देते हैं, यहाँ पे इसको किया सेव, और यहाँ पे हमें बटन दिख रहा है इस तरह का, हमें चार बटन चाहिए। तो कॉपी पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे चार बटन आ गया। ओके तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे क्लास दे देता हूँ कस्टम डैश बीटीएन। ओके ताकि हमें पता चले कि ये हमारा कस्टमाइज बटन है। इसको किया मैंने सेव। यहाँ पे जाके हम सी एस एस सेट करना शुरू करते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ बटन, कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पे ये डिवीजन के अंदर है तो इसे हम लिख सकते हैं। ओके तो इस तरह से हम सिलेक्ट ऐड कर सकते हो। यहाँ पे इसको किया सेव। अब हमें क्या करना है, यही क्लास सबको दे देना है। तो यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ सबके अंदर, यहाँ पे किया कॉपी, और इस तरह से यहाँ पे सबके अंदर हो जाएगा पेस्ट। चलिए तो अब इसकी सी एस एस सेट करनी है। तो सबसे पहले ये जो भी ये रो कंटेनर है उसकी भी सी एस एस सेट करनी पड़ेगी हमें। यहाँ पे किया कॉपी, यहाँ पे जाके सिंपली इसका भी बना देते हैं। यहाँ पे कॉमेंट ऐड कर देते हैं बाद में। यहाँ पे क्लास के जरिए सिलेक्टर ऐसे लिख सकते हो आप। तो यहाँ पे जाके मैं सिंपली लिख दूंगा डिस्प्ले फ्लैक्स, और यहाँ भी हमें देना पड़ेगा जस्टिफाई कंटेंट, और इसके अंदर भी हम यूज करेंगे स्पेस अराउंड। ओके तो अभी भी ये बीच में आ रहा है, क्यों? क्योंकि उसको हमने विड्थ नहीं दिया है। तो मैं सिंपली यहाँ पे जाके विड्थ दे देता हूँ ताकि उसको मालूम चले कि विड्थ कितनी है। यहाँ पे लिखूंगा वर्टिकल विड्थ 100%। इसको क्या सेव, तो ये देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमें जैसा लेआउट चाहिए वैसा मिल गया। तो अब सिंपली हमें बटन को सीएसएस देना है। तो यहाँ पे जाके मैं सिंपली बूटस्ट्रैप का क्लास ऐड कर दूंगा। यहाँ पे लिख दूंगा बीटीएन, सब में लिख दूंगा बीटीएन ताकि उसको ऑटोमेटिकली सीएसएस की इफेक्ट यहाँ पे आ जाए। तो मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे रेड कलर जो भी है उसको निकाल दूंगा, अब उसकी आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ टेस्टिंग के लिए लिखा था यहाँ पे उसको। ओके यहाँ पे ये दिख रहा है। तो अब हमें सिंपली इसका बैकग्राउंड कलर सेट करना है। तो यहाँ पे कस्टम बटन नीचे आ गया है, इसके अंदर हम सेट करते हैं उसका कलर। तो सबसे पहले यहाँ पे 1, 2, 3, 4 बटन है, यहाँ पे भी 4 बटन है। तो यहाँ पे सिंपली एक अलग से क्लास सेट करना पड़ेगा हमें क्योंकि ये कलर अलग है। तो यहाँ पे लिखूंगा btn dash right, ये राइट साइड वाला जो भी है वो सबका कलर अलग है, तो सिंपली यहाँ पे btn right लिख रहा हूँ, और बाकी सब में ये कस्टम बटन चल जाएगा। ओके तो यहाँ पे जाके सिंपली इसका बैकग्राउंड कलर देना है हमें। तो मैं यहाँ पे जाके सिंपली लिख दूंगा बैकग्राउंड कलर, कौन सा वाला था वेरिएबल में से हमें सिलेक्ट करना था, तो यहाँ पे कौन सा था वो ये रहा बटन डार्क बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पे सिंपली उसको यूज़ करना है, तो हमें लिखना पड़ेगा वेयर, और उसके अंदर में ये वाला यूज़ करना पड़ेगा, सिलेक्ट करो, यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो कलर आ जाएगा। ओके तो अगर आपको बूटस्ट्रैप का ये सीएसएस नहीं इंक्लूड करना है तो आप सिंपली उसको निकाल भी सकते हो। यहाँ पे मैं डिलीट कर रहा हूँ इसको, ये ऑटोमेटिकली सीएसएस उसके अंदर ऐड कर देगा। हमें ये कस्टमाइज ये यूआई बनाना है तो मैं सिंपली इसको चेंज कर रहा हूँ। इसके अंदर इसकी टेक्स्ट आएगी, उसका कलर हमें देना है वाइट। तो यहाँ पर लिख दूंगा कलर, यहाँ पर लिखना है हैशटैग FFF यानी वाइट कलर का हमने कोड ऐड कर दिया, ये हो गया। अब सबकी वीट हमें देनी पड़ेगी, तो यहाँ पर सिंपली लिख दूंगा वीट 100%, सेव किया इसको। तो अब हम एक काम करते हैं, सिंपली ये पीछे का जो भी कलर है वो भी ऐड करना है, तो उसको भी कर देते हैं ऐड। वो कौन सा है, वो मेन कंटेनर है। तो यहाँ पे जाके सिंपली लिख दूंगा बैकग्राउंड कलर, वेरिएबल में से आएगा कौन सा, सिंपल बैकग्राउंड कलर था, इसको किया मैंने सेव।
ओके तो इस तरह से यह दिखा रहा है, ये हो गया हमारा बटन। तो हम एक काम करते हैं, इसका जो भी व्हाइट कलर का अभी भी दिखा रहा है कलर, वो हमें रिमूव करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, तो अब हमें क्या करना है, सिंपली इसके बॉर्डर को रिमूव करना है। तो यहाँ पर जाके लिखो बॉर्डर नन, यानी हमें बॉर्डर नहीं चाहिए, तो सिंपली नन कर दिया। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, सिंपली सब बटन के ऊपर बॉर्डर तो देनी है। तो एक काम करूँगा, नन नहीं करूँगा, उसको कलर दे देते हैं, कौन सा वाला बैकग्राउंड कलर जो भी है वही दे देते हैं। यहाँ पे जाके लिखूँगा 1 pixel solid variable background color, ओके ओके। तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हो। तो इसकी अभी हाइट बहुत छोटी है, तो सिंपली उसकी हाइट भी हमें ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे कस्टमाइज हाइट दे देता हूँ अभी 100 pixel। ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो सिंपली इसको 80 कर दूंगा। आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ओके ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब सिंपली इसका नाम चेंज करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे मैं जाके सिंपली लिख दूंगा प्लस या तो फिर माइनस। ओके ओके चलिए तो जाते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे आएगा ये परसेंटेज वाला, तो यहाँ पे परसेंटेज लिख दूंगा और इसके अंदर हमें चाहिए प्लस। तो हो गया। तो अब एक काम करते हैं, ये जो भी फॉन्ट है उसकी साइज थोड़ी बढ़ा देते हैं, वो छोटे लग रहे हैं। यहाँ पे जाके सिंपली लिखूंगा फॉन्ट साइज लिख देते हैं 20 pixel। ओके ये अच्छा लग रहा है, इसको थोड़ा बोल्ड भी कर देते हैं, फॉन्ट वेट बोल्ड। अभी भी इसकी फॉन्ट की साइज थोड़ी बढ़ा देते हैं, 25 करके देखते हैं, 25 करके देखते हैं। ओके अब कुछ दिख रहा है इसके अंदर। तो अब सिंपली हमें क्या करना है, ये लास्ट में जो राइट वाला बटन है उसको कलर अलग देना है। तो उसके लिए से सेट करनी पड़ेगी, btn राइट नाम दिया है उसको। तो यहाँ पे जाके सिंपली ऐड कर देते हैं डॉट पेस्ट। यहाँ पे जाके बैकग्राउंड का कलर चेंज करना पड़ेगा, बैकग्राउंड कलर आएगा वेरिएबल में से, कौन सा, सिंपली ये बटन बैकग्राउंड कलर है वही है हमारा, इसको किया मैंने सेव। तो ये देखो ये सक्सेसफुल यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। अब सिंपली यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है ये डिवीजन हमें। अब जाके सिंपली उसकी वैल्यू को चेंज करना है, यहाँ पे आएगी 1, यहाँ पे आएगी 2। मैं इस डिजाइन के अंदर कुछ चेंज करता हूँ, यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये जो 9 लिखा है इसके जगह में यहाँ पे रिमूव करके डबल 0 लगा देता हूँ, डॉट को यहाँ पे रख देता हूँ और 0 को ले रहा हूँ यहाँ पे। ओके इसको किया 0, सेव किया। तो हमें कुछ ऐसा दिख रहा है अभी इस यूआई के अंदर। एक भूल है फ्रेंड्स, यहाँ पे इसको प्लस माइनस वाला जो भी है उसको निकाल देता हूँ और यहाँ पे सिंपली एक एरो रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिलीट करने के लिए तो कुछ लिखा ही नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली डेल नाम का एक बटन ऐड कर देता हूँ। ओके तो बस इस तरह से हमारा पूरा यूआई कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे ये इक्वल टू का बटन का कलर हमें चेंज करना वो बाकी रह गया है फ्रेंड्स, मुझे याद है। यहाँ पे सिंपली एक बटन ऐड कर देते हैं जिसका नाम देते हैं btn-walls, इसको किया मैंने कॉपी, सेव किया। यहाँ पे जाके सिंपली ऐड कर देते हैं डॉट पेस्ट बैकग्राउंड कलर, ये सिंपली वो वेरिएबल में से आएगा, वेरिएबल में कौन सा, इक्वल्स टू वाला। ओके इसको किया मैंने सेव। तो इस तरह से पूरा का पूरा यूआई हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके तो अब हमारा ऊपर का यूआई बाकी है फ्रेंड्स, चलिए तो उसको कंप्लीट करते हैं। इसको मैं अभी सिंपली इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ, यहाँ पे जाके ये लोअर कंटेनर मिनिमाइज। ओके अब जाके सबसे पहले ऊपर का कोड लिखते हैं, यहाँ पे इसको H1 को निकाल देता हूँ। और हमें अब क्या चाहिए, यहाँ पे भी हमें 2 डिवीज़न चाहिए, एक ऊपर वाला डिवीज़न और दूसरा नीचे वाला डिवीज़न। तो यहाँ पे जाके सिंपली लिख दूंगा div और दूसरा कॉपी पेस्ट किया। यहाँ पे जाके क्लास लिख देता हूँ, क्लास इक्वल टू यहाँ पे हम इनपुट वाला ऊपर को बोलेंगे, जिसके अंदर हम जो भी नंबर यहाँ पे एंटर करते जाएंगे वो यहाँ पे ऐड करता जाएगा, उसको बोलेंगे इनपुट। और आउटपुट के अंदर ये आउटपुट आएगा हमारा, उसको बोलेंगे आउटपुट। ओके चलिए तो यहाँ पे अभी सैंपल के लिए ये जो भी टेक्स्ट लिखा है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ताकि हमें फॉन्ट की साइज और ये सब समझने में आसानी हो।
यहाँ पे जाके लिखना है 1250। ओके, मैं ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए लिख रहा हूँ। यहाँ पे अभी कॉपी पेस्ट कर देते हैं, इसका स्टाइल देना शुरू कर देते हैं, डॉट पेस्ट। और यहाँ पे जाके सबसे पहले तो कलर चेंज करना पड़ेगा फॉन्ट का, ये वाइट है तो उसको वाइट ऐड कर देते हैं। यहाँ पे आपका जो भी आउटपुट आ रहा है फ्रेंड्स, वो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एकदम राइट साइड में चाहिए लास्ट में। तो यहाँ पे वो फ्लेक्स डायरेक्शन अलाइन आइटम सेंटर वाला जो था वो वहाँ पे चेंजेस करना पड़ेगा। ये मेन कंटेनर का जो भी अलाइन आइटम था उसको यहाँ पे सेंटर की अभी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इसको कॉमेंट करके देखते हैं कैसा आएगा। ओके, हमें ये लास्ट में चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जाके सिंपली लिख दूंगा हमें लास्ट में चाहिए। तो यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ेगा एंड फ्लेक्स एंड, ये एकदम लास्ट में चाह के रख देगा। ओके, तो हमें जैसा चाहिए था वैसा आउटपुट हमारा आ गया है। अब ये ऊपर वाली टेक्स्ट को भी कलर देना है तो वो भी कलर दे देते हैं। उसका कलर शायद ये वाला है, यहाँ पे पिक कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जाके सिंपली एक नया वेरिएबल ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे जाके वही यूज कर लेते हैं। ये तो आउटपुट के लिए, हमें इनपुट के लिए चाहिए इनपुट डैश डिव। यहाँ पे जाके लिखता हूँ कलर। यहाँ पे जाके मैं सिंपली लिख दूंगा टेक्स्ट अलाइन, यहाँ पे राइट कर देता हूँ ताकि ये राइट साइड चला जाए और इस तरह से हमें कुछ आउटपुट दिखे। एक काम करते हैं, ये जो फॉन्ट है उसकी साइज भी थोड़ी बढ़ा देते हैं। फॉन्ट साइज 30 पिक्सल, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ओके, कोई बात नहीं, 25 कर देते हैं, सेव किया। ओके, तो इस तरह से हमारा ये पूरा का पूरा जो यूआई था वो कंप्लीट हो गया है। अब सिंपली जावास्क्रिप्ट के जरिए ये जो भी बटन काम करता है उसका सिंपली लॉजिक लिखना है और उसका आउटपुट यहाँ पे डिस्प्ले करके हमें उसको सिंपली दिखाना है। ओके, चलिए तो यहाँ पे शुरू कर देते हैं। तो स्टार्टिंग में तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा 0 और इसको कर देता हूँ सेव। इन दोनों को एक आईडी भी दे देते हैं फ्रेंड्स। सिंपली यहाँ पे एक काम करते हैं, ये क्लास को ही आईडी में कन्वर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आईडी, यहाँ पे आईडी। अब वहाँ पे सीएसएस चेंज करनी पड़ेगी मुझे। यहाँ पे आईडी है तो यहाँ पे हैशटैग आएगा, सिंपली इतना ही चेंज करना है। ओके, तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया है। मैं काम करता हूँ, इसका अलाइन भी हमें रह गया, बाकी इसको भी राइट साइड रख देते हैं ताकि दोनों अलाइनमेंट राइट साइड ही टिके रहे। टेक्स्ट अलाइन राइट। ओके, अब कुछ लग रहा है। यहाँ पे राइट साइड थोड़ी मार्जिन भी है फ्रेंड्स, तो एक काम करते हैं वो भी दे देते हैं। सिंपली यहाँ पे हमारा जो भी कंटेनर है अपर कंटेनर, उसको यहाँ पे स्टाइल देने का वक्त आ गया है। यहाँ पे जाके सिंपली इसको करता हूँ पेस्ट, डॉट पेस्ट। और यहाँ पे अब हमें क्या करना है, सिंपली लिखना है मार्जिन और यहाँ पे जाके सिंपली हमें चारों तरफ मार्जिन देना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पे लिख दूंगा 10 पिक्सल। ये हो गया हमारा अपर का, यानी ये तो कम होगा तो चलेगा। यहाँ पे 2 पिक्सल रख देते हैं। राइट साइड हमें थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पे लिख दूंगा 10 पिक्सल। और बॉटम में तो इतनी ज़रूरत नहीं, फिर भी हम 2 पिक्सल दे देते हैं। यहाँ पे 10 की जगह थोड़ा ज़्यादा करके देखते हैं, यहाँ पे 15 रख देते हैं। ओके, तो इस तरह से आप मार्जिन सेट कर सकते हो। और यहाँ पे ऊपर जो भी है ये इनपुट, वो तो स्टार्टिंग में कुछ होगा नहीं, तो यहाँ पे ये जो भी लिखा है उसको सिंपली कर देता हूँ डिलीट और कर देता हूँ सेव। चलिए तो अब जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना शुरू कर देते हैं। इसको किया बंद और जावास्क्रिप्ट का काम हो गया हमारा स्टार्ट। तो हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि इसका वेब ब्राउज़र के अंदर कैसा व्यू आ रहा है फुल स्क्रीन में। ये देखो कुछ ऐसा आ रहा है। ओके, सिंपली मोबाइल के जैसा व्यू मैंने बनाने की ट्राई की है। तो अभी सिंपली इसको कर देता हूँ बंद और यहाँ पे जाके इसकी थोड़ी सी विड्थ चेंज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं ताकि ये कॉन्सोल भी ओपन हो सके इसके अंदर। तो यहाँ पे हेलो आ रहा है, यानी सक्सेसफुली जावास्क्रिप्ट रन हो रही है। यहाँ पे कुछ मार्जिन ज़्यादा हो रही है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं मार्जिन निकाल ही देता हूँ। यहाँ पे जाके सिंपली ऐड कर देते हैं मार्जिन 0, पेडिंग 0। ओके, तो ये यहाँ पे ये जो भी मार्जिन रही थी फ्रेंड्स वो यहाँ पे निकल गई है। अभी सिंपली ये टेक्स्ट को मार्जिन दे देते हैं। यहाँ पे जाके सिंपली इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं।
ओके अब कुछ बढ़िया लग रहा है इसके अंदर। अब जाके सिंपली जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए तो अब सबसे पहले एक बात आती है कि हमें यहाँ पे करना क्या है। तो सबसे पहले हम जो जो बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो बटन के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखी हुई है वो यहाँ पे ऊपर जो भी हमारा इनपुट डिव के अंदर हमने जो भी टेक्स्ट लिया है यहाँ पे ब्लू कलर का, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे जो 1 2 3 4 लिखा रहा है फ्रेंड्स, उसकी जगह हम जो भी बटन क्लिक करते जाएंगे वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड होता जाएगा और यहाँ पे फुल एक्सप्रेशन दिखाएगा हमें और उसका आउटपुट यहाँ पे नीचे दिखाएगा। ओके तो चलिए शुरू करते हैं, सिंपली यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ऐड करते हैं जो भी बटन क्लिक हो वो यहाँ पे 0 से लेके 9 तक ऑटोमेटिकली इसके अंदर ऐड होता जाए। तो एक काम करते हैं, कॉमन फंक्शन ही बना लेते हैं। फंक्शन यहाँ पे लिख देता हूँ ऐड टेक्स्ट टू स्क्रीन। आप कोई भी नाम देख सकते हो, इसका जो भी लॉजिक है वो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए। तो वहाँ से जो भी बटन के ऊपर क्लिक करेंगे वो बटन की अंदर की वैल्यू हम रिसीव करेंगे। यहाँ पे टेम्पररी वेरिएबल नाम दे देता हूँ उसके अंदर का btn वैल्यू, यानी बटन की वैल्यू जो भी आएगी उसको सिंपली यहाँ पे लॉक करके देख लेते हैं btn वैल्यू। ओके इसको किया सेव। अब सिंपली इसको ओपन कर देते हैं और यहाँ पे जो भी है बटन 0 से लेकर 9 तक उसके अंदर सबसे पहले फंक्शन को कॉल करवाते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऐड कर लेते हैं ऑन क्लिक। कौन सा फंक्शन है उसका नाम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि स्पेलिंग में कोई गड़बड़ी ना हो। पेस्ट किया, सिंपली यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट और इसके अंदर मुझे क्या पास करना है, ये कौन सा बटन है, एक नंबर का बटन है तो इसके अंदर मैं 1 पास करूँगा। यही ऑन क्लिक वाली जो भी इवेंट फायर हो रही है फ्रेंड्स उसको मैं करूँगा कॉपी और ये सब के अंदर कर दूँगा पेस्ट। यहाँ पे जाके सिंपली ये सब के अंदर हमें चाहिए पेस्ट कर दूँगा। सिंपली यहाँ पे वैल्यू चेंज करनी है, जैसे कि इसके अंदर है 2, इसके अंदर है 3 और यहाँ पे इसके अंदर आएगी माइनस। ओके तो इसके अंदर हमें लिखना पड़ेगा माइनस, सिंगल कोट के अंदर पास कर देते हैं माइनस और यही चीज़ ऊपर वाले में रह गई बाकी, तो उसके अंदर भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये सी और डिलीट इसके अंदर का लॉजिक अलग आएगा तो उसका लॉजिक बाद में लिखते हैं। जो भी कैरेक्टर हमने यहाँ पे यूज़ किया, जैसे कि यहाँ पे परसेंटेज का कैरेक्टर था तो इसलिए मुझे यहाँ पे सिंगल कोट यूज़ करना पड़ रहा है। यहाँ पे ये नंबर है तो वो डायरेक्टली चले जाएंगे, लेकिन अगर आपको कैरेक्टर पास करना है तो यहाँ पे सिंगल कोट लिखना ही पड़ेगा। तो इस तरह से आप सिंगल कोट भी ऐड कर सकते हो। ओके तो मैंने यहाँ पे सबके अंदर ऑन क्लिक इवेंट फायर कर ली है। तो इस तरह से आप भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इसके अंदर। सिंपली आपको ये वैल्यू चेंज करना नहीं भूलना है। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब भी बटन क्लिक होगा तो उसके ऊपर ये फंक्शन कॉल होगा और उसके अंदर हमने जो भी वैल्यू पास की है वो यहाँ पे btn वैल्यू के अंदर रिसीव हो जाएगा। यहाँ पे भी आप कोई भी नाम दे सकते हो, यहाँ पे मैंने btn वैल्यू दिया है तो उसके अंदर रिसीव हो जाएगा वैल्यू। और यहाँ पे हम कंसोल के अंदर चेक करते हैं, यहाँ पे चेक करना शुरू करते हैं। 1 आ गया, 1 यहाँ पे, 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे ये 0 ये पॉइंट आ गया। यहाँ पे 00 आना चाहिए, यहाँ पे 1 ही आ रहा है। ओके क्योंकि यहाँ पे हमने 00 पास किया फ्रेंड्स, लेकिन उसको हमें कैरेक्टर के अंदर पास करना पड़ेगा एज अ कैरेक्टर।
विजन, आप कोई भी बटन क्लिक करोगे तो इसके अंदर ये आता चला जाएगा। तो अब इसकी ज़रूरत क्यों है हमें फ्रेंड्स, क्योंकि हमें ये इसको टारगेट करके इसके अंदर की जो वैल्यू है उसको चेंज करना है, उसको जो पुरानी वैल्यू है उसके साथ यहाँ पे यूज़र ने जो भी बटन क्लिक किया है उसकी वैल्यू को मर्ज करना है, कॉन्केट करना है, और वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग वापस यहाँ पे लिख के आनी चाहिए, ऐसी हमें फैसिलिटी देनी है। ओके तो हम चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू को मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। इनपुट सिलेक्टर डॉट इनर टेक्स्ट, यहाँ पे आ गया टेक्स्ट। तो यहाँ पे जो भी टेक्स्ट है फ्रेंड्स 1 2 3 4 वो यहाँ पे आपको दिखाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने 7 के ऊपर क्लिक किया है तो ये देखो 1 2 3 4, ये हो कैसे रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी और इसके अंदर वही लिख देता हूँ कॉपी पेस्ट और ये किया एंटर। तो ये पूरा का पूरा ये जो भी लिखा है वो डिविजन टारगेट हो रहा है। अब हमें क्या चाहिए उसके अंदर की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे सिंपली लिख रहा हूँ डॉट इनर। अगर हम एचटीएमएल लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डबल कोट के अंदर ये पूरे के पूरे स्ट्रिंग आएगी। जैसे कि अगर आपने H1 H2 ऐसा कोई HTML का टैग यूज़ किया होगा तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा, लेकिन हमें तो उसकी वैल्यू से मतलब है तो इसलिए हम यूज़ करते हैं डॉट इनर टेक्स्ट। ओके ये हमें सिंपली टेक्स्ट निकल के दे देगा और इस तरह से आपको मिल जाएगी वैल्यू। अब यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर आ रहा है ये आउटपुट तो आने दो, अगर आपको ये सेपरेट करना है जैसे कि प्लस माइनस जो भी है आपको खुद से करना है तो वो आप खुद का लॉजिक लिख सकते हो। लेकिन मैं अभी क्या कर रहा हूँ, सिंपली जावास्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है ईवेल, उसका मैं यूज़ कर रहा हूँ। उसकी बेनिफिट क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ईवेल और इसके अंदर मैं एक एक्सप्रेशन पास करता हूँ जैसे कि 10 + 20 / 3 × 2। जैसे मैंने लिखा एंटर दिया तो ये देखो ये फंक्शन अपने आप यहाँ पे आउटपुट हमें निकाल के दे देगा। तो यही चीज़ मुझे ऑटोमेटिक चाहिए तो मैं ईवेल फंक्शन का यूज़ करने वाला हूँ, इसलिए ये इसको मैं स्ट्रिंग के अंदर रिसीव कर रहा हूँ और वही स्ट्रिंग में पूरी यहाँ पे इसके अंदर पास करूँगा। ओके चलिए तो इसको आगे कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे सिंपली इसको निकाल देता हूँ और यहाँ पे जाके लिख देता हूँ इनपुट सिलेक्टर डॉट इनर टेक्स्ट। ओके यहाँ पे अगर आप कंसोल के अंदर लिख रहे हो तो उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, लेकिन अब हमें क्या करना है इसकी वैल्यू को चेंज करना है। अगर आपको इसको नई वैल्यू असाइन करनी है तो सिंपली आपको क्या करना है, इक्वल टू इसके सामने आपको वो नई वैल्यू लिखनी है, जैसे कि यहाँ पे लिख दूंगा 20, इसको किया सेव। ओके तो अब मैं जैसे ही कोई भी बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ये फंक्शन कॉल होगा और उसी टाइम क्या होगा, सिंपली इसके अंदर जो भी लिखा है 1 2 3 4 उसको निकाल के कौन सी वैल्यू रख देगा, 20 को रख देगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे मैंने क्लिक किया ये देखो ये आ गया। वापस से इसको चेक करते हैं, इसके ऊपर क्लिक किया ये देखो 20 आ गया। यानी अगर सिंपली आप इतना लिखोगे तो आपको उसके अंदर की वैल्यू मिलेगी, और अगर आपको उसी वैल्यू को कोई नई वैल्यू के साथ रिप्लेस करना है, चेंज करना है, तो आपको क्या करना है, सिंपली वो लिखना है लेफ्ट साइड और यहाँ पे इक्वल टू के राइट साइड उसको सिंपली वैल्यू दे देना है तो ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगा। ओके तो इस तरह से आप वैल्यू को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे तो ये 20 आ रहा है। अब हमें क्या करना है, सिंपली कॉन्केट करना है। कैसे कर सकते हैं कॉन्केट, तो सबसे पहले हमें उसकी पुरानी वैल्यू चाहिए, जैसे कि यहाँ पे 20 है तो 20 प्लस लिखूंगा तो 20 प्लस ये सब कॉन्केट होना चाहिए। तो ये जो भी पुरानी वैल्यू है 20 वो हमें कहाँ से मिलेगी, हमें यहाँ पे उसी के अंदर से मिल जाएगी। सिंपली इसको करता हूँ कॉपी पेस्ट, यहाँ पे किया कॉपी, यहाँ पे जाके लिख देता हूँ पेस्ट और यहाँ पे प्लस डबल कोट के अंदर लिखूंगा 2। सिंपली मैं अभी आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, इसको किया मैंने सेव। अब यहाँ पे 1 2 3 4 अभी दिखा रहा है आपको, सिंपली इसको पहले मैं जाके निकाल देता हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में तो कोई इनपुट आएगा नहीं। कोई भी बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो क्या होगा, सिंपली इसको टारगेट करेगा ऊपर इनपुट वाले को और उसके अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, उसकी पुरानी वैल्यू प्लस नई वैल्यू 2 के साथ ऐड हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 7, तो ये देखो इसने क्या किया, पुरानी जो वैल्यू थी जो कुछ नहीं थी स्टार्टिंग में तो उसके साथ उसने 2 को कॉन्केट कर दिया और यहाँ पे रख दिया। वापस मैंने कोई भी बटन के ऊपर क्लिक किया, वापस क्लिक किया, जितनी भी बार मैं क्लिक करूँगा वो क्या करेगा, उसकी जो वैल्यू है उसको चेंज कर देगा। किसके साथ, उसकी पुरानी वैल्यू के साथ ऐड करना है किसको, यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उसको। अब वही चीज़ यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपली इस वेरिएबल के अंदर हमें वो वैल्यू मिल रही है तो सिंपली ये 2 को उसके साथ रिप्लेस कर दो, ताकि हम अगर यहाँ पे 5 पास करें तो वो 5 यहाँ पे ऐड हो जाए, 2 पास करें तो वो 2 ऐड हो जाए। चलिए यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, एक यहाँ पे ये देखो 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, 3 आ गया, 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे पॉइंट चाहिए तो पॉइंट, 0 00 डिवाइड, यहाँ पे गुणाकार, माइनस, प्लस, ये सब हो गया।
तो इस तरह से जो भी नंबर ऐड करना था फ्रेंड्स, उसका लॉजिक इतना ही सिंपल था और इस तरह से आप ऐड कर सकते हो। चले तो अब हम लॉजिक लिखते हैं यहाँ पे इक्वल टू का। तो सबसे पहले हम इक्वल टू बटन को ढूंढते हैं, कहाँ पे है इक्वल टू, यहाँ पे ये रहा। तो सिंपली इसके अंदर एक इवेंट पास करनी है, ऑन क्लिक इक्वल टू आंसर, सिंपली आंसर नाम का एक फंक्शन बना देता हूँ, इसको किया कॉपी और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर आके सिंपली फंक्शन बनाना है, फंक्शन आंसर, और इसके अंदर हम कुछ पास नहीं कर रहे हैं। सिंपली इसके क्लिक होते ही क्या होना चाहिए, ऊपर जो भी एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली अभी हमने देखा कि जो भी हम लिख रहे हैं वो आ रहा है, उसका जो भी प्लस माइनस करके जो भी फाइनल आंसर आ रहा है वो यहाँ पे इसके अंदर हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंपली ये ऊपर जो भी एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू को गेट करना है, उसकी वैल्यू को फेच करना है। तो सिंपली ये वाला हमें वापस चाहिए होगा क्योंकि ये सिलेक्टर है, तो उसी को हम टारगेट करेंगे सबसे पहले और उसकी वैल्यू को फेच करेंगे। यहाँ पे ये हो गया सिलेक्टर हमारा, और क्या करते हैं सिंपली ईवेल के अंदर पास कर देते हैं, जैसे कि ईवेल स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम पास कर देते हैं इनपुट सिलेक्टर, और उसके अंदर क्या चाहिए, उसके अंदर की हमें टेक्स्ट चाहिए, तो टेक्स्ट पास किया, सिंपली किया सेव। ओके, तो अब इसका जो भी आउटपुट आएगा वो एक वेरिएबल के अंदर हम रिसीव कर लेते हैं, वेरिएबल फाइनल आंसर इक्वल टू हो गया, इसको कंसोल डॉट लॉग के अंदर प्रिंट करते हैं, कंसोल डॉट लॉग फाइनल आंसर, इसको किया मैंने सेव। अगर आप कोई भी फंक्शन बनाए फ्रेंड्स तो सबसे पहले उसको टेस्ट कर ले, मैं यहाँ पे टेस्ट करना भूल गया। सबसे पहले कंसोल के अंदर सिंपली आपको टेस्टिंग के लिए पता है कि मैं क्या यूज़ करता हूँ, मैं सिंपली हेलो यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे आपको लिखना है हेलो, ताकि हमें समझ में आए कि इक्वल टू बटन के ऊपर क्लिक करने से ये फंक्शन कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, यहाँ पे ये देखो हेलो आ रहा है, यानी हमारा सक्सेसफुल ये काम कर रहा है। ये सबसे पहले चेक करेगा फ्रेंड्स, क्योंकि कभी कभी कॉलिंग के अंदर प्रॉब्लम आता है या तो फिर नाम की कोई मिस्टेक हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम समझते हैं कि कोई अलग ही प्रॉब्लम है, लेकिन ये नाम की प्रॉब्लम होती है, स्पेलिंग की प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से सबसे पहले आप टेस्ट कर सकते हो। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे वैल्यू ऐड करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ 100 प्लस 50, और यहाँ पे जैसे इक्वल टू के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे आंसर मिल रहा है। एक मिनट जूम कर देता हूँ थोड़ा। ओके, यहाँ पे 150 दिखा रहा है। ओके, तो हमारा जो भी आंसर मिल रहा है वो यहाँ पे सक्सेसफुली ऑटोमेटिकली आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, सिंपली जो भी आउटपुट आ रहा है उसको यहाँ पे जाके चेंज कर देना है उसके साथ। तो यहाँ पे उसको भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो उसका भी सिलेक्टर ले लेते हैं, सिंपली इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे जाके सिंपली आईडी चेंज कर दूंगा, आईडी आएगी उसकी इनपुट की जगह आउटपुट, और यहाँ पे आउटपुट सिलेक्टर लिख दूंगा, नाम चेंज कर दूंगा। तो ये जो भी फाइनल आंसर आ रहा है, जो भी फाइनल आंसर आ रहा है हमारा, उसको कहाँ पे जाके रखना है, उसको सिंपली जीरो के जगह पे रिप्लेस कर देना है। तो वही कर रहे हैं हम, आउटपुट सिलेक्टर के जरिए हम उसको सिलेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे कंसोल के अंदर आपको दिखा देता हूँ, इसको किया मैंने कॉपी, यहाँ पे जाके सिंपली करता हूँ पेस्ट, एंटर किया, तो ये देखो ये सिलेक्ट हो रहा है, यानी ये हमारा सक्सेसफुली सिलेक्ट हो रहा है। ओके, तो इस तरह से आईडी के जरिए आप एकदम इजीली कोई भी एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली लिखूंगा आउटपुट सिलेक्टर डॉट, क्या करना है उसकी टेक्स्ट को चेंज कर दो, किसके साथ, यहाँ पे जो भी फाइनल आंसर आ रहा है उसके साथ। तो यहाँ पे जाके मैं सिंपली ऐड करता हूँ, जैसे कि लिख देता हूँ 100 प्लस 50, वापस वही लिख रहा हूँ। अब जाके सिंपली इक्वल टू के ऊपर क्लिक किया, तो ये देखो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसने क्या किया, सिंपली इसकी वैल्यू को सिलेक्टर के थ्रू, इनपुट सिलेक्टर के थ्रू यहाँ पे गेट किया, यहाँ पे डायरेक्टली उसकी वैल्यू को कहाँ पास कर दिया, ईवेल नाम के फंक्शन के अंदर पास कर दिया, उसके अंदर ये इनर टेक्स्ट यानी इसके अंदर जो भी वैल्यू है ऑटोमेटिकली इसके अंदर पास कर रहे हैं, और उसका जो भी आउटपुट आ रहा है उसको डायरेक्टली एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हो, और लास्ट में वही वेरिएबल की वैल्यू को डायरेक्टली आउटपुट जहाँ पे दिखाना है उसके अंदर की टेक्स्ट को चेंज करके नई टेक्स्ट वही रख रहे हैं, और इस तरह से कुछ आपका आउटपुट आ रहा है। ओके, तो इसको वापस हम ट्राई करते हैं, यहाँ पे जाके लिख देता हूँ 10 × 5 इक्वल टू, ये देखो ये हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है फ्रेंड्स। अब हमें कुछ और फीचर भी ऐड करने बाकी है, तो उसको भी ऐड कर देते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे सी के ऊपर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो सब डिलीट हो जाए, यानी जैसे पहले था। जैसे कि इसको रिलोड करके दिखाता हूँ, स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू है 0 और उसके अंदर कुछ नहीं लिखा है, तो बाय डिफॉल्ट वही सेट करना है कब, जब ये सी के ऊपर क्लिक करे तब। तो सिंपली यहाँ पे ये रहा सी, उसके ऊपर ऑन क्लिक लिख देता हूँ क्लियर ऑल, आप अपने हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हैं फ्रेंड्स। सिंपली मैं फंक्शन का नाम दे रहा हूँ क्लियर ऑल, इसको जाके यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ फंक्शन क्लियर ऑल, और इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट, ओके हो गया।
इसको जाके मैं सिंपली सेव कर देता हूँ ताकि जब भी इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये क्लियर ऑल वाला फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए। चलिए तो यहाँ पे जाके वही टेस्टिंग कर लेते हैं, console.log यहाँ पे लिख दूंगा हेलो, सेव किया, इसके ऊपर जाके सिंपली क्लिक किया, ये देखो आ गया। चलो तो अब हमें क्या करना है, जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जानी चाहिए 0 और ऊपर जो भी इनपुट है वो पूरा पूरा ब्लैंक होना चाहिए। तो एक काम करता हूँ, ये सिलेक्टर है यहाँ पे, सिंपली इसको किया कॉपी पेस्ट, यहाँ पे जाके करता हूँ पेस्ट। अब हमें क्या करना है, इनपुट सिलेक्टर की वैल्यू को चेंज करना है, इनपुट सिलेक्टर डॉट इनर टेक्स्ट, इनपुट सिलेक्टर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ब्लैंक यानी कुछ भी नहीं। और उसी टाइम यहाँ पे आउटपुट सिलेक्टर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए उसकी वैल्यू चेंज कर दो, किसके साथ, 0 के साथ। ओके इसको किया सेमी कॉलम, तो ये हमारा परफेक्ट वर्क कर रहा है। चलिए इसको टेस्ट करके देखते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ 100-3 इक्वल टू किया, ये देखो जैसे मैंने क्लियर के ऊपर क्लिक किया, ये देखो ये परफेक्टली वर्क कर रहा है फ्रेंड्स। ओके अब लास्ट में ये रह गया डिलीट वाला, हम डिलीट का इस्तेमाल कब करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने 100 लिखना चाह रहा था लेकिन मुझसे गलती से ये लोअर क्लिक हो गया, तो यहाँ पे ये लास्ट के दो 0 है उसको मुझे डिलीट करना है। तो जैसे मैं एक बार डिलीट के ऊपर क्लिक करूँगा तो लास्ट का जो भी वैल्यू है वो सिर्फ निकल जाएगा और उसके आगे का जो वैल्यू है वो वैसे के वैसे रहेगा। और ठीक इसी तरह से जितनी बार हम डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे तो लास्ट में से एक एक कैरेक्टर गायब होता जाएगा और ये जो भी लिखा है वो डिलीट होता जाएगा। ओके तो यही लॉजिक हमें इसके अंदर बनाना है। चले तो इसके अंदर सबसे पहले एक फंक्शन कॉल करवा देते हैं, ऑन क्लिक, जैसे क्लिक हो जाए सिंपली कॉल कर दो, यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ रिमूव वैल्यू। ओके सिंपली आप अपनी तरह से नाम दे सकते हो, यहाँ पे रिमूव वैल्यू कॉपी किया, ये फंक्शन बनाना है हमें, फंक्शन रिमूव वैल्यू कंसोल लॉग के अंदर टेस्टिंग हेलो सेव किया, अब इसके ऊपर करते हैं क्लिक। ओके ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। अब इसके अंदर जो लॉजिक है वो क्या आएगा, हमने जो भी ऊपर इनपुट सिलेक्टर है तो सबसे पहले काम करते हैं इनपुट सिलेक्टर को कॉपी पेस्ट कर देते हैं और चेक करते हैं इसकी वैल्यू। सबसे पहले console.log के अंदर लिख देता हूँ इनपुट सिलेक्टर के अंदर की हमें क्या चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, टेक्स्ट आ गई, सेव किया। यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन को भी अभी ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे डिलीट के ऊपर क्लिक करता हूँ और ये देखो ये पूरी पूरी टेक्स्ट आ रही है। तो अब हमें क्या करना है, जैसे ये कॉल हो जाए तो यहाँ पे ये लास्ट का जो भी कैरेक्टर है उसको सिंपली करना है रिमूव। तो यहाँ पे काम करता हूँ वेरिएबल टेम आंसर इक्वल टू सिंपल में एक वेरिएबल का नाम, सिंपली मैं वेरिएबल को असाइन करूँगा क्या, यहाँ पे जाके सिंपली लिखूँगा इनपुट सिलेक्टर के अंदर की जो भी टेक्स्ट है उसको हमें क्या करना है, उसको करना है हमें स्प्लाइस, स्प्लाइस करना है। ये स्लाइस फंक्शन क्या करेगा, सिंपली उसको जो भी स्टार्टिंग नंबर की पोजीशन और एंडिंग नंबर की पोजीशन देंगे तो उतनी स्ट्रिंग हमें कट करके रिटर्न करके देगा। ओके तो हमें यहाँ पे पोजीशन पास करनी है, जैसे कि स्टार्टिंग में तो 0 लिखा, यानी स्टार्टिंग से लेके कहाँ तक जाना चाहिए, अगर हमारा लास्ट कैरेक्टर जहाँ पे है उसके एक कैरेक्टर आगे तक। ओके यानी वो कैरेक्टर को छोड़ के उसके एक स्टेप आगे तक हमें वो स्ट्रिंग चाहिए। सिंपली मैं एक काम करता हूँ, ये वेरिएबल को प्रिंट करते ही आपको दिखाता हूँ, इसको किया प्रिंट और इसको किया सेव। चले तो इसको टेस्ट करते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है 100, डिलीट के ऊपर क्लिक किया तो ये देखो 10 आ गया, वापस डिलीट के ऊपर क्लिक किया वापस 10 आ रहा है। ओके यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, तो हम एक काम करते हैं इसकी जो भी नई वैल्यू आ रही है उसको डायरेक्टली इसकी वैल्यू के साथ रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पे लिखूंगा इनपुट सिलेक्टर डॉट इनर टेक्स्ट, इसकी टेक्स्ट को चेंज कर दो किसके साथ, यहाँ पर टेम्पररी जो भी आंसर आ रहा है उसके साथ। तो वापस इसको टेस्ट करते हैं, यहाँ पर डिलीट 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 डिलीट, ये देखो फ्रेंड्स सक्सेसफुली यहाँ पे परफेक्टली वर्क हो रहा है। ओके फ्रेंड्स तो यहाँ पे जितने भी फीचर ऐड हो रहे थे मैंने सब यहाँ पे आपको बारी बारी एक के बाद एक यहाँ पे इंप्लीमेंट करके दिखा दिया। हमने यहाँ पे साथ मिलकर ये पूरा का पूरा UI बना दिया, उसके अंदर जावास्क्रिप्ट के जरिए ये पूरा लॉजिक फिट कर दिया है। आई होप आपको आज की वाली वीडियो में बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा फ्रेंड्स। उम्मीद है आप यहाँ पे ये जो भी मैंने बनाया है प्रोजेक्ट वही सेम टू सेम आप भी बनाओ और मेरे से बढ़िया बनाओ। आई होप आज की वाली वीडियो में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा फ्रेंड्स। ओके तो इस तरह से हमारे साथ बने रहिएगा, इस सीरीज के अंदर हम बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं फ्रेंड्स, इसके जैसे बहुत सारे ऑसम ऑसम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। ओके तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।